मैं आज थोड़े ना थोड़े कोले इस जज्बे नाल आया कि फैसला तो तुसी करना है और सोच के विचार करके नेकी बदी नफा नुकसान एदा जरूर विचार कर लिया जे। 53 साल हो गुजरे है बठिंडे शहर दे विच कांग्रेस पार्टी की कमेटी नहीं आई। 53 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं हुंदा, अद्धी सदी तो उत्ते हो गया। और जदों जदों भी कोई तुहानू कोई तरक्की दे मनसूबे नजर आउंदे है, चाहे वह बठिंडे च है चाहे वह बठिंडे तो बहर है, वो कांग्रेस पार्टी की कोशिश के काबिज है। बड़े औखे होके कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद जिहड़ी है 1947 तो पहला भी नहीं है, 1947 तो बाद भी नहीं है। सो मैं तो छोटे कोले यही बेनती करना आया सी कि फैसला, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जे खुदा नखवासता किसे दूजे बंदियां दी कमेटी बन गई तो उन्हां दी फिर कोशिश होनी है कि बठिंडे दे काम दे विच अड़चन पवे। अड़चन और जाहिर अड़चन इस करके पौनी है कि जे काम होण लग गए तो कांग्रेस का रुतबा उत्ते ना हो जाए। सो अज जिहड़ा जिन्हों जरूरियात वक्त है, जरूरियात वक्त यह है कि आप सिर नाल सिर जोड़ लिए, आप हाथ नाल हाथ जोड़ लिए और रल मिल के जेडे साडे बच्चों का अगला मुस्तकबिल है, बच्चों नू आपां एक बेहतर जिंदगी दे सकीए। और जेडे 73 साल गुजर गए है, 73 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं हुंदा, 3 पीढ़ियां अपनियां गुजर गईयां और सोचा सी कि जिस दिन अंग्रेज चला जाऊंगा तो यह मुल्क खुशहाल हो जाएगा। और इस गल तो साडा अज देश मुनकर है। सियासत जिहड़ी है राजनीति, मैं राजनीति क्यों करदा, राजनीति इस करके नहीं करता कि मैं MLA बन जा या मैं मिनिस्टर बन जा, तो फिर जो मैं मिनिस्टर बन गया फिर थानेदार मेरे कहने पर काम करूंगा या तहसीलदार मेरे कहने पर काम करूंगा। राजनीति बामकसद होती है और राजनीति का मकसद की है, राजनीति का मकसद है कि साडे मुल्क चो गरीबी खत्म कर दी है, अनपढ़ता खत्म कर दी है, साडे मुल्क चो बेरोजगारी खत्म हो जाए। पर जिहड़ियां गल्लां मैं कह रहा हूं यह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तो जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। एक बाबा बुले शाह बड़े वड्डे फकीर होए ने पंजाब दे और बड़ी सोहनी पंजाबी लिखते सी बाबा बुले शाह। ते एक बार बाबा बुले शाह ने बंदे दा ते कुत्ते दा मुकाबला किया कि बंदा ज्यादा वफादार है भगवान नाल परमात्मा नाल के कुत्ता ज्यादा वफादार है। ते बाबा बुले शाह लिखता है राती जागे ते करे इबादत पूजा नूं कहिंदे वी रात नूं तू जिहड़ा पाठ करदा है कि राती जागे ते करे इबादत ते राती जागण कुत्ते ते ठोलते आखिर राती भौंकणो बंद ना हुंदे भावें मारो 100-100 दित्ते ते ठोलते अखे मालक दा दर मूल ना छड़ दे ते पावे जाए रोड़ा ते सुते ते छोते। ते बाबा बुले शाह फरमाउंदे है उठ बुलिया सोना यार बना लै नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते। मैं थोड़ा कहूंगा कि ये जेड़ी बाजी है ये किते पुठी ना पै जाए। ये बाजी जेड़ी है कांग्रेस वाला जेड़ा सौदा है ये नफे वाला सौदा है, ये घाटे वाला सौदा नहीं। और मैं ज्यादा लंबी तार थोड़े दरमियान नहीं रुकूंगा क्योंकि अगले प्रोग्राम ते जाना है। और पर जिस तरह मैं अर्ज की है बई जिहड़ा अगला अपनी अगली मीटिंग होएगी और वड्डी मीटिंग होएगी और शहर दे विच कारोबार का पहिया किवें तेजी ना चल सके, शहर दे विच नवी सरमायाकारी आवे जिथे साडे बच्चे बच्चिया इज्जत की रोटी कमा के खा सकन। रोटी तो खैर कमा के ही खानी होंगी है पर इज्जत की रोटी कमा के खा सकन। और जिहड़ियां बहारां पंजाब तो रुस के चलिया गई है वो बहारां एक बारी पंजाब च फिर वापस लौट के किवें आउण, ये अज तो एक हफ्ते बाद मैं इहदा खुलासा तुहाडे सामने करूंगा। तुसीं इन्ने अदब ते सबर नाल मेरी गल सुनी, मैं थोड़ा धन्नवाद करदा हां। तो पहला मैं सरदार वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जी दा ते उन्हां दे नाल आए आगू लीडरां दा धन्नवाद करदी हां जो कि साडे समागम विच पहुंचे ते आके मैनूं आशीर्वाद दित्ता। ते उस तों बाद मैं साडे वार्ड वासियां दा
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਸਰ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਬਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਦੀ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।